तो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आप सभी के लिए पुट किया था। भारतीय संघ में विलय के लिए रामपुर बुशहर में सराहन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता किसने की? कुछ एक स्टूडेंट्स के आंसर इसके आए तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, अगर टफ क्वेश्चंस के भी आंसर्स आप करते हैं तो। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा मास्टर अनुलाल। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और इतना आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि अब HPGK का लेवल हाई हो रहा है डे बाई डे, तो हम भी हाई लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसका प्रॉफिट ही होगा कि आने वाले टाइम में अगर कोई हाई लेवल एग्ज़ाम होगा जैसे HPS या फिर अलाइड, नायब तहसीलदार वगैरह वगैरह, तो वो भी कवर हो जाएंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो क्वेश्चन है, मुख्य आयुक्त सलाहकार परिषद में किन तीन पूर्ववर्ती रियासतों के शासक थे? तो दोस्तों ये जो रूलर्स आप कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट्स के, तो ये तीन प्रिंसली स्टेट्स याद रखना, मंडी हो गई, चंबा और बघाट। और बघाट से मुझे याद आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की, यानी कि हड़प नीति उसको हिंदी में बोला जाता है, इसके तहत इसको कब्जाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्लेबैक स्पीड इंक्रीज़ कर लेना अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप देखें, ताकि आपका टाइम जो है सेव हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाहौल स्पीति का, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड लाइक दिवाली बाय द पीपल ऑफ चंद्रा एंड भागा वैलीज? तो दोनों घाटियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट हैं लाहौल स्पीति की। तो अगर दिवाली की तरह कोई फेस्टिवल है यहाँ का तो वो हालड़ा है दोस्तों, और काफ़ी बार पूछा जाता है कि हालड़ा किस जिले में मनाया जाता है। तो ये दो घाटियाँ आपको याद रखनी चाहिए, चंद्रा और भागा, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाहौल स्पीति की। तो त्योहारों को जरूर पढ़िए, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है आजकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुमेन ड्रेस इन रोडू तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट? तो ये जो रोडू तहसील है दोस्तों शिमला जिले की, तो महिलाएं यहाँ पे एक ड्रेस पहनती हैं जिसका नाम है रिश्ता। तो सीधा क्वेश्चन ही आ जाता है कई बार कि रिश्ता है क्या, तो ऑप्शंस में होगा ड्रेस या फिर फेस्टिवल, टेम्पल वगैरह वगैरह, तो आपको वहाँ पे ड्रेस चूज करना पड़ेगा। जैसे कि कई बार आपको जो गद्दी संप्रदाय है उसके ड्रेसेस वगैरह पूछी जाती हैं, तो वो भी आपको देखनी चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमीरपुर बोर्ड भी आजकल एक क्वेश्चन धारों से संबंधित पूछता ही पूछता है। वट इज़ दी एप्रोक्सीमेट हाइट, मीटर्स में बात हो रही है, ऑफ चूड़धार पीक इन हिमाचल प्रदेश? तो चूड़धार के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा चलिए कमेंट करके बता दो फटाफट, चूड़धार जो है ये किस जिले में है। और जब हम इसकी बात करते हैं हाइट की, तो आपको एग्जैक्टली याद रखनी है दोस्तों, 3,650 मीटर इसकी हाइट है चूड़धार की। बाकी धारें भी याद कर लेना, जैसे हाथी धार पूछी जाती है कई बार, उसके बाद सोलह सिंगी धार भी पूछी जाती है, चबूतरा धार पूछी जाती है। कुल मिला के आपके पास HPGK की बुक होगी होगी, तो उसको अच्छे से फॉलो करिए, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। सिरमौर के राजा विक्रम सिंह, तो इनको एक टाइटल मिला हुआ था नाइट कमांडर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी स्टार ऑफ इंडिया, तो किस ईयर इनको ये टाइटल मिला था, इसके लिए नियुक्त किया गया था इन्हें कब? तो एग्जैक्ट ईयर याद रखिएगा। और इतना बता दूं ये क्वेश्चन कभी भी लो लेवल एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, अलाइड प्रिलिमिनरी या फिर HPS प्रिलिमिनरी, वहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 1901 ईस्वी में सिरमौर के राजा हैं राजा विक्रम सिंह, इनको नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के लिए नियुक्त किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 जो है इंपॉर्टेंट है, आज भी यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हालांकि 2021 में जब अपडेट हो जाएगी 2021 वाली तो नई आपको पढ़नी पड़ेगी, फिर भी तब तक जो भी एग्जाम्स होंगे अपकमिंग उनके लिए पढ़ लेना। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो ये ऊना है। अब हम फटाफट से क्या करेंगे, 2 या 3 मिनट्स में हिमाचल की जनगणना जो है 2011 की
उसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो कुल मिला के ऐसे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकियों से भी करवाइए और बाकियों को भी जोड़िए। तो जो पहला ही क्वेश्चन बन जाता है 2011 जनगणना के अनुसार कि जनसंख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश की, तो 68,64,602 लोग हैं। एग्जैक्टली याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेल और फीमेल जरूर देख लेना, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये। पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी जाती है 2001 के मुकाबले में, तो 12.94%। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज के मुकाबले में पूछी जाती है तो 0.57%, याद रखिएगा। लो लेवल एग्जाम्स में जो लिंगानुपात है पूछा जाता है, 972 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। घनत्व पूछा जाता है लो लेवल एग्जाम्स में, तो 123 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश का, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स। लिटरेसी रेट पूछी जाती है तो 82.80%। पुरुषों और महिलाओं की भी देख लेना एक बार, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। किस धर्म के लोग कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदू दोस्तों सबसे ज़्यादा हैं 95.17%, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स इन हिमाचल प्रदेश हेयर 2.18%, और सिखों की बात करें 1.16%, बुद्धिस्ट 1.15%, क्रिश्चियन जो हैं ये 0.18% हैं, बाकी जैन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि सबसे कम हिमाचल में जैन ही हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.03% हैं ये। तो दोस्तों गांव में रहते हैं 89.97% लोग हिमाचल के, और अर्बन जैसे शिमला वगैरह आप चले जाओ तो 10.03%, ये एग्जैक्टली याद रखना क्योंकि हाई लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है आंकड़ा। 2011 जनगणना के अनुसार जो शिमला है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एकमात्र था, तो इसकी जो पॉपुलेशन थी ये पूछी जा सकती है हाई लेवल एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है इसका एग्जैक्टली 1,69,578 लोग। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि जो पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट वो दोस्तों 25% है लगभग, और एग्जैक्टली याद रखना 25.2%, और शेड्यूल ट्राइब्स 5.71%, ये क्वेश्चंस दोनों पूछे गए हैं आज तक। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सब डिविजन्स कितने हैं, तो 52 हैं, और यहाँ पे बाकी आपको तहसील्स याद रखनी है 75 हैं, सब तहसील्स 34 हैं, और डेवलपमेंट्स ब्लॉक्स कितने हैं 75 हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्यसभा सीट्स 3 हैं, लोकसभा सीट्स 4 हैं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा 2011 जनगणना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंड गणराज्य कई छोटे राज्यों में खंडित था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो आप सभी को पता है कि गणराज्य हुआ करते थे काफ़ी समय पहले, हिमाचल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट गणराज्यों से घिरा हुआ था, जैसे कि त्रिगर्त हो गया, कुलूता हो गया, कुनिंद वगैरह, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। तो दोस्तों आंसर की तरफ बढ़ते हैं, बुशहर जो है ये अलग था, कुनिंद का हिस्सा ये नहीं था। बाकी गोबीसाना की बात करूँ, ब्रह्मपुरा की बात करूँ, या फिर कार्तिपुर की बात करूँ, तो ये कुनिंद के ही हिस्सा रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लेना एक बार, ज़रूर पढ़ लेना इन गणराज्यों को, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट त्रिगर्त था। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ग्यालबा है, डाबला है, यालसा है, तो ये देवताओं के नाम हैं, तो किस गांव के देवताओं के नाम हैं ये। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंगो, तो ग्यालबा हो गया, डाबला हो गया, यालसा, इस गांव के ये प्रसिद्ध हिंदू देवता हैं। तो कमेंट करके बताइएगा चंगो जो है किस जिले का हिस्सा है, ये जो गाँव है, मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। कांगड़ा शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दो नदियां हैं, बनेर है, माझी है, किस नदी की सहायक नदियां हैं, ब्यास की,
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नदियों से संबंधित। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये भी नदी से संबंधित ही है। गिरी गंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर आएगा नेक्स्ट वीडियो में इसका। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। कोई भी हेल्प चाहिए हो, एचपी जीके का कोर्स आप करना चाहो हाई लेवल का, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा ये बैच। जय हिंद, जय हिमाचल।